बाड़मेर के समदड़ी कस्बे में हुई तेज बारिश और मौसम परिवर्तन के चलते मौसमी बीमारियों का प्रकोप अब बढ़ता ही जा रहा है। अस्पताल में सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और उल्टी दस्त के मरीजों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं और मौसमी बीमारियों की चपेट में बच्चे और बुजुर्ग ज्यादा आ रहे हैं। दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग मौसमी बीमारियों की रोकथाम के दावे कर रहा है, लेकिन अभी तक भी पूरा नियंत्रण नहीं हो सका है। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर शिव मंगल नागल ने बताया कि मौसमी बीमारी के मरीजों को देखते हुए अस्पताल में दवाइयों की पूरी व्यवस्था की गई है और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों को डेंगू से बचने की जानकारी भी दे रही है। बरसात के शुरू होने के बाद मौसमी बीमारियां जो खासकर खांसी, जुकाम, हल्का बुखार, यही बीमारियां अभी ज़्यादा आ रही है। कुछ दस्तों के केस भी आ रहे हैं और बाकी इसके अलावा मलेरिया, डेंगू वगैरह के कोई पेशेंट नहीं है और पुराने मरीज जो दम वगैरह के मरीज है उन लोगों के थोड़ा तकलीफ हो रही है। इस कारण अभी आउटडोर में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है।